हाय गाइज, मैं युवानाथ सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के लिए मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 चैप्टर जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी कक्षा 12 की बुक जो मैथ की है एनसीईआरटी की, उससे मैं क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ और ये कहीं मिलता नहीं इसका थ्रू, इसलिए मैं इसी को आपको एक एक करके मैं सब आपको दूंगा। दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्किप करें बगैर पूरा देखिए और समझिए इन सवालों को। आपको एग्जाम में 100% मार्क्स लाने के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सब मैं आपको एक एक कराऊंगा। और ये देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि डिफरेंटिएट विथ रिस्पेक्ट टू द यक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। मतलब 1 से 11 तक के जितने क्वेश्चन हैं उसको यक्स के पक्षों में ही आपको अवकलन करना है, उसका डिफरेंटिएट करना है। तो दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है 3x² - 9x + 5 power 9। तो इसको मान लेते हैं y बराबर इतना हो गया, ठीक है। तो गाइस, इसको करना क्या कि dy/dx निकाल दीजिए, dy/dx ये हो जाएगा आपका, ये dx ये आपका उतर जाएगा 3x² - 9x + 5 power 9। अब देखिए पावर 9 है तो यह कंफ्यूजन कर देगा, ओके पावर 9 कैसे याद होगा। तो दोस्तों, इतना जो है इसी को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो कर लो, लेट टी इक्वल टू 3x² - 9x + 5, इतना टी हो गया। अब यहाँ देखिए पावर 9 है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका d/dt t power 9 हो जाएगा, ठीक है। टी पावर इतने का जगह टी रखेंगे तो टी पावर 9 ही होगा ना, तो इसका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9t power, यहाँ 9 में से गया 8, 9t power 8 हो गया। तो अब यही हम इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9t power 8 dx, और ये dx इसका निकाल लीजिए आप, dx 3x² - 9x + 5 का, ठीक है। अब करना क्या है, ये उतार लीजिए, अब ये टी का मान रख दो, टी बराबर कितना मान, यही मान है ना, ये रख लो, ये हो जाएगा आपका 9 (3x²) - 9x + 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, अब इसका हम डिफरेंटिएट करेंगे, तो 3 × 6 = 6x - 9, ये हो जाएगा यहाँ से, और 5 कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसको छोड़ ही देंगे। अब इसमें से देख रहा है कि 3 कामन है, 3 × 6 = 9 हो जाएगा, 3 कामन लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा 3 × 9 = 27, और ब्रैकेट में हो जाएगा 3x² - 9x + 5, और पावर कितना है 8, यहाँ भी 8 लगा लो, और ये आपका दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 3 जब कामन लियो ना, 3 × 6 = 2x, और यहाँ 9 में भाग देंगे 3 × 3 = 9, तो 2x - 3, तो यही आपका जो है आंसर हो गया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आ चुकी होगी अच्छे से, तो अगर समझ में आ गई तो एक लाइक तुरंत दीजिए दोस्तों इसके लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 पर नजर डालते हैं। तो ये दिया है sin³x + cos⁶x, तो ये है, अब इसको मान लेते हैं y = 30 है, अब इसको dy/dx कर लो, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा d/dx, ये बता लीजिए sin³x + cos⁶x, ठीक है गाइस। अब इसका जो है सबका अलग अलग डिफरेंटिएट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर t माने थे उसी तरह से इसका भी हम अगर t मान लेंगे, t इक्वल टू क्या हो जाएगा sin³x हो गया। अब इसका हम जब dt निकालेंगे तो क्या हो गया, dt/dx क्या हो जाएगा इसका, t हो जाएगा कितना 3 आएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका d/dt, ये हो जाएगा आपका कितना t power 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 3t power 2, यही होगा ना, देखिए 2 में 3 में से 1 गया 2 और 3 आ जाएगा यहाँ सामने, तो इसके यही अप्लाई यहाँ पर हम करेंगे, t हो जाएगा कितना 3, और देखिए t power 2 है तो sin³ से हो जाएगा कितना sin²x, ठीक है गाइस। अब इसके बाद sin⁶ का निकालेंगे, sin⁶ का cos⁶ होता है, तो ये जगह sin²x cos⁶, और इसके बाद क्या होगा गाइस,
अब इसी तरह से इसका निकालेंगे, छह तो छह में से गया पांच बचा, ये जगह प्लस सिक्स कास फाइव एक्स ये हो जाएगा, और इंटू अब कास एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ये होता है। अब वाइज करना क्या है इसमें देखिए, अब इसमें कामन देखिए आपका क्या कामन है, तीन साइन एक्स कास एक्स कामन हो गया, तो ये जगह थ्री साइन एक्स कास एक्स कामन जब हम ले लेंगे तो यहाँ से बचा कितना साइन एक्स कास एक्स एक ही था बाहर आ गया नहीं बचेगा। अब यहाँ देखिए माइनस हो तो माइनस क्या मल्टीप्लाई जाएगा तो माइनस हो जाएगा, थ्री से दो में भाग देंगे थ्री टू जा सिक्स तो टू कास पावर फाइव है तो फाइव में से क्या हो जाएगा गाइस, ये चला गया आपका फोर ही बचेगा तो कास पावर टू कास पावर फोर एक्स, तो यही हमारा जो है आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों, तो चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू फाइव एक्स पावर थ्री कास टू एक्स, ये क्वेश्चन है तो ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे dy by dx कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले देखिए अभी हम dy by dx करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा यहाँ, क्योंकि पावर है, पावर को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले दोनों पक्षों का क्या करेंगे लाग लेंगे। तो टेकिंग है टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों पक्षों का लॉग आप ले लीजिए, ये हो जाएगा कितना लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग फाइव एक्स पावर थ्री कास टू एक्स। अब देखिए एक सूत्र है कि लॉग एम पावर एन इक्वल टू होता है एन लॉग एम, ये होता है मतलब पावर जो है यहाँ आ जाती है, ये हो जाएगा कितना हमारा थ्री कास एक्स सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा थ्री कास टू एक्स इंटू लॉग फाइव एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा कितना डी वाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर भी करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन मानेंगे, इतना जो है हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये जो है सेकेंड फंक्शन हो गया, तो ये हो जाएगा कितना और लॉग वाई का क्या होगा वन बाई वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के संदर्भ में कर रहे हैं तो ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा रहेगा इसके साथ। अब इसका चलिए करिए क्या होगा गाइस, तो इसका नियम है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो पहले फर्स्ट फंक्शन जो है वो लिख लो आप, तो ये हो जाएगा थ्री कास टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का करेंगे जा रहे डिफरेंटिएशन मतलब दूसरे का अवकलन, तो पांच एक्स का क्या हो जाएगा पांच बटे पांच एक्स हो जाएगा, ठीक है पांच ऊपर है ही और एक्स का वन बाई एक्स होता है तो ये वन बाई फाइव एक्स पांच आपका पहले रहेगा, ये हो जाएगा और प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब लॉग फाइव एक्स इंटू इंटू क्या डिफरेंटिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये तीन दूना छह हो जाएगा यहाँ, ये कास एक्स का क्या होगा साइन माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस सिक्स साइन क्या टू एक्स, ये हो गया। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना थ्री कास टू एक्स, अभी देखिए पांच से पांच कट गया एक्स बचा था पांच में एक्स लिख लेते हैं इधर, और ये माइनस चिन्ह जो है इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स और इंटू लॉग फाइव एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो ये वाई जो है इधर आ जाएगा, यहाँ से जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका वाई ब्रैकेट में थ्री कास टू एक्स अपान एक्स माइनस साइन टू एक्स लॉग इंटू लॉग फाइव एक्स, ये हो गया। अब देखिए वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई बराबर क्या था यहाँ पर यही था ना फाइव एक्स यही था, यही वाई का मान रख लो आप, ये हो जाएगा कितना फाइव पावर थ्री कास
2x और ब्रैकेट में जो बच रहा है लिख लो ये वाला 3cos 2x अपान x माइनस साइन 2x लाग 5x। यही हमारा जो है आंसर आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों बच्चों मेरे ये सवाल भी आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी इसलिए आगे नहीं बना पा रहा हूँ। तो अगली वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे है सोल्यूशन उसका मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों अभी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के जारी रखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा प्रेस कर दीजिए ताकि रोजाना की वीडियो आपको मिल सके, आप हमारी वीडियो देख सके, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रख सके, आगे आप बढ़ सके। और वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो एक लाइक दीजिए और अपने पढ़ने वाले जितने भी साथी हैं सबको फटाफट शेयर कर दीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो आपको तो उसे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी उसका भी कमेंट कीजिए। और कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।